तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका जोधपुर रेलवे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एकदम धमाकेदार और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूं। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो लगभग 15 इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स और एक साल का इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में पहली बार इलेक्ट्रिक लोको से किसी ट्रेन का संचालन किया गया है। तो ये एक शॉकिंग और एक्साइटिंग मोमेंट है, क्योंकि बिना किसी ऑफिशियल लेटर या नोटिस के इलेक्ट्रिक लोको रन हो गया है। जोधपुर की प्रसिद्ध 12480 सूर्यनगरी सुपरफास्ट और 19055 वलसाड जोधपुर वीकली एक्सप्रेस में BRC अमूल वेब 5 आए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है वलसाड जोधपुर एक्सप्रेस का, जो कि अपने निर्धारित समय से 50 मिनट पहले जोधपुर पहुंची। तो वडोदरा के वेब 5 ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इस ट्रेन को हॉल किया और जोधपुर टाइम से पहले आ गए। तो अब देखने योग्य बात है कि शाम को जब ये ट्रेन वापस जाएगी तो क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक लोको जाता है या नहीं। तो ये तो थी वलसाड जोधपुर एक्सप्रेस, जिसे मैं कैप्चर तो कर नहीं पाया भगत की कोठी से, क्योंकि ये अपने समय से 50 मिनट पहले आ गई थी। तो ये रहा वडोदरा का 30057 अमूल लिवरी वेब 5, जो कि सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आया है। इसको स्विच ऑफ करके प्लेटफॉर्म 1 के पास जो साइड लाइन्स है वहाँ पर रख दिया गया है। संभवतः ये भी शाम को फिर से सूर्यनगरी में ही जाएगा। तो इस लोको को सूर्यनगरी के साथ कैप्चर कर पाना तो संभव नहीं था, क्योंकि यह सुबह 5:30 बजे आती है। तो इसे अब जब ये जोधपुर पर खड़ा है तभी कैप्चर कर पाया। तो जोधपुर रेल मंडल के इतिहास में 8 फरवरी का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार एक नहीं बल्कि दो दो ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोको के साथ संचालित किया गया। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिल सके।